हमारे नाम को 10% लोग जानते होंगे, 90% लोग टंडन जी कचौड़ी वालों के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ दांत के मंजन का काम होता था। 1975 के करीब जॉर्ज फर्नांडीज की जो रेलवे स्ट्राइक हुई, तो स्ट्राइक के कारण हमारे यहाँ पिताजी का वो काम बंद हो गया। आर्थिक स्थिति से हम लोगों के लालन पालन के लिए पिताजी ने एक रिक्शे के ऊपर, कवर्ड रिक्शा होता था, उसी पर यह काम को शुरू किया। 90 या 92 में दुकानें हमको नीचे कचहरी में मिली, उसके बाद हम लोग इसी दुकान पर आकर शिफ्ट हो गए। इस बिजनेस ने हमको सब कुछ दिया, नाम दिया, और इस बिजनेस ने हमको शहर में सबसे बड़ी चीज़, पैसा कम ज़्यादा अलग की चीज़ होती, हमको इज्जत दी। आज ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में भी हम कहीं भी चले जाएं, तो हमको अपना परिचय नहीं देना पड़ता है, लोग कह देते हैं टंडन जी आए। और इस 42 साल के अपने व्यापार के सिलसिले में क्वालिटी के पीछे या किसी इस तरह की चीज़ के पीछे हमको अपमानित नहीं होना पड़ा कि कभी दुकान पर कोई झगड़ा हुआ या किसी ने कहा कि आज ये ठंडा है, आज ये ख़राब है, आज ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह की कोई समस्या हम लोगों के सामने नहीं आई। यही बिजनेस की एक संतुष्टि है। पिताजी के समय से जो मसाले वगैरह, जो स्वाद, जो टेस्ट था, वो आज अब ऐसा हमारे ग्राहक भी कहते हैं, भाई अब हम अपने मुंह से कहें तो इसके लिए तो आप हमारे कुछ ग्राहकों से मिली है। टंडन जी की कचौड़ियाँ ऐसी हैं स्पेशली कि आप कभी भी किसी भी समय खा लो, तो सबसे पहली बात है जो इनका सामान यूज़ होता है, जो ऐसा सुना है मैंने और खा के भी पता चलता है कि सामान जो यूज़ होता है वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। कभी भी खाओगे टेस्ट एक सेम रहेगा। बाकी जगह आप कभी आज तीखा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म टेस्ट मिलेगा आपको, जिसलिए मैं खाता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, मैं 1981 से यहाँ की कचौड़ी खाता हूँ। खास करके कचौड़ी जो होती है, जब भी आती है, आप 10 बजे खाइए तब भी उसकी गर्मी वही रहती है, 3 बजे शाम को खाइए तो गर्मी पूरी गर्म ही मिलेगी। पहले तो इनकी कचौड़ी का जो पैकेट हुआ करता था उस पर इनका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, टंडन जी की कचौड़ियाँ मशहूर होती थी, हैं तो उस पैकेट को ही देख करके लोग लालचाने लगते थे, समझने लगते थे कि अरे यार टंडन जी के लाए हो तो मुझे भी खिलाओ। तो हम लोग जहाँ 4 पीस ले गए अकेले के लिए, तो वहाँ 4 आदमी 5 आदमी आपस में बांट के खा ले जाते हैं टंडन जी की कचौड़ी। सुबह 8 बजे कारखाना खुलता है, तैयारी वगैरह होते, 10:30 बजे करीब यहाँ दुकान हम आते हैं, 4:30 तक दुकान चलती है, क्योंकि कचहरी का टाइम 4:30-5 बजे करीब विंड हो जाता है। क्वालिटी और क्वांटिटी डालने की ये मेजरमेंट है। हल्दी सबके यहाँ होती है, सब डालते हैं, नमक कोई कितना डालेगा, कोई मिर्चा कितना डालेगा, खाली इस पर होता है, बाकी सब जनरल मसाले हैं जो सबके किचन में होते हैं, कोई स्पेशलिटी नहीं। अब पिताजी के बाद इस दुकान को हमने संभाला, वर्तमान में हमारे बच्चे भी इस दुकान से रोजगार पा रहे हैं। अभी जल्दी ही उस नई जनरेशन दुकान आना शुरू हुई है, और ये हमको पूरी उम्मीद है इसको और आगे बढ़ाएंगे। जब आप किसी बने बनाए बिजनेस को टेक ओवर करते हो या उस पर जुड़ते हो, तो ये प्रेशर बहुत होता है कि उसे और अच्छा करने का। अगर आप बहुत अच्छा ना कर पाए तो उसी तरह मेंटेन रखने का भी प्रेशर बहुत रहता है। अभी हम 4-5 साल से ही जुड़े हैं, क्योंकि उससे पहले हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अभी हमने MBA किया है ग्रेटर नोएडा से। इस बिज़नेस में अभी बहुत स्कोप है, और इसको हम अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल इस बिज़नेस में कर सकते हैं अभी, तो हमने इसी को चूज़ किया। हमारे बाबा जी ने बहुत मेहनत की इस बिज़नेस को
शुरुआत करने में, तो इसका अभी अभी ये अपने ऑप्टिमम लेवल पर बिजनेस नहीं है, तो फिर उनका सपना अधूरा रह जाएगा कि हम अगर ऐसे ही छोड़ देते तो इसको करता कौन। हम ही अगर हम इसको ना करते तो 2-4-5 साल बाद ये दुकान बंद करनी पड़ती, क्योंकि पापा कितना करते हैं, वो बंद होती तो फिर वो चला ही जाता, टंडन जी कचौड़ी का नाम ख़त्म हो जाता। जो मेहनत हमारे बाबा जी ने की वो फिर कोई जान ही नहीं पाता। जब रिक्शा खींचने का कोई नहीं होता था तो हमारे पिताजी भी रिक्शा खींचते थे, वही किनारे खड़ा करके बेचते थे। हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया और इस संघर्ष का उस जमाने के पूरी बाराबंकी गवाह। हमें अपने बिजनेस से बहुत ज़्यादा प्यार है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बहुत छोटा काम है, आजकल की यंग जनरेशन में शायद ना अच्छा लगे क्या करते हैं, लेकिन हम अपने को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमें बहुत प्राउड है अपने बिजनेस पर। जैसे अभी नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे, जोमेटो स्विगी वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आ रहे, हम सोच रहे उसमें भी हम जाएँ। अपनी पढ़ाई को हम इसमें जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इस बिज़नेस में उतना करें, फिर आगे चल के फ्रेंचाइजी दें, जैसे ये मैकडी और ये डोमिनोज वगैरह रहते हैं। तो ये है हमारा बिजनेस प्लान ऐसे ही कि इसको हम इसी तरह बढ़ाएं, जो पूरे देश, पहले यूपी में फिर पूरे देश में हम अपना नाम बढ़ाएं। और अगर कहीं हम बाहर रहते तो ये नाम हमें ना मिल पाता शायद।